Hello guys, welcome to self-made tutorial and again welcome to computer for all series. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो चुका था. उसकी फर्स्ट कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुके थे. अब हमें पढ़ना है सेकंड कंपोनेंट, प्रोसेस यूनिट. प्रोसेस यूनिट यानी कि हमने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमें पढ़ना है उस डेटा पे काम कैसे करता है कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ना है. यानी जिसका वीडियो हमारा पार्ट 5 का वीडियो है. इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि कंप्यूटर फॉर ऑल सीरीज की ऑलरेडी फोर वीडियो YouTube हमारे चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने सारे फंडामेंटल्स, एप्लीकेशंस, फीचर्स एंड कंपोनेंट पढ़ लिया है. हमने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ना शुरू किया है, जिसका सेकंड यूनिट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यानी पार्ट 5 वीडियो के नाम से, प्रोसेसर या सीपीयू के नाम से. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेस यूनिट. प्रोसेस यूनिट इन द सेंस कि कंप्यूटर का ब्रेन, यानी जो कंप्यूटर पे काम करता है, जो डेटा पे काम करता है, कंप्यूटर का वो पार्ट जो डेटा पे काम करता है, उसे प्रोसेस यूनिट बोलते हैं. इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, या ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन को हैंडल करता है. कैसे हैंडल करता है? ये डेटा को इनपुट यूनिट से एक्सेप्ट करता है, देन उस पर काम करता है. इसीलिए इसे हम प्रोसेसर बोलते हैं. इसका टेक्निकल नाम सीपीयू है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट मीन्स, कहने का मतलब ये कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस. यानी जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर के जितने भी मेजर्स कैलकुलेशंस होते हैं, उन सबको पूरा करता है, एंड जितने भी डेटा कंपैरिजन के लिए होते हैं, उनको वो कंप्लीट करता है. यानी ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस यूनिट. सीपीयू होता क्या है? तो बेसिकली फिगर में देखेंगे, सीपीयू जो होता है हमारा एलयू, सीयू एंड मेमोरी, स्मॉल मेमोरी को कंबाइन करते हैं तो एक प्रोसेसर सीपीयू बनता है. इसका फुल फॉर्म होता है एलयू का अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, एंड दोनों तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक सीपीयू रेडी होता है. जैसा कि आपको फिगर में समझ में आ रहा है कि अगर हम एक तीन कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन करके एक सीपीयू का नाम दिया हुआ है. फिगर में आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक मदरबोर्ड देखा होगा. मदरबोर्ड का एक प्रोसेस स्लॉट होता है, जिसमें ये जो सीपीयू होता है ये आपको फिट होता है, इंसर्ट होता है, जो सीपीयू कहलाता है, जो सारे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के काम को करता है. अगर आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड की प्रोसेसर पार्ट को देखा होगा तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो जब भी आपको मौका मिले तो आप टेक्नीशियन से बोल करके मदरबोर्ड ओपन करेंगे एंड इस प्रोसेसर स्लॉट को ओपन करके सीपीयू को, प्रोसेसर को जरूर देखेंगे. अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट फर्स्ट कंपोनेंट. इसके नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों पार्ट कॉम्बिनेशन है. अरिथमेटिकल मीन्स होता है मैथमेटिकल, यानी प्रोसेसर का वो पार्ट जो सिर्फ अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों टास्क को परफॉर्म करता है. मीन्स अरिथिकल में अरिथमेटिकल मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, परसेंटेज, परसेंटाइल एक्सेट्रा. यानी जितने भी अरिथमेटिकल काम होते हैं सारे परफॉर्मेंस वो परफॉर्म करता है. नेक्स्ट हमारा लॉजिकल यूनिट, यानी जितने भी लॉजिकल काम होते हैं, लॉजिकल टास्क होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी जितने भी कंपैरिजन से रिलेटेड होते हैं, यानी कोई भी डेटा को कंपेयर करने के रिगार्डिंग होता है, लॉजिकल टास्क होते हैं, वो लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है. अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क, यानी इन दोनों टास्क के अलावा जितने भी और डिफरेंट टाइप्स के डेटा जो होते हैं, इस पर काम करना होता है, उन सब पे प्रोसेसर काम करता है. यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जितने भी टास्क होते हैं कंप्यूटर के लिए, सारे टास्क को परफॉर्म करता है. फाइनली कंट्रोल यूनिट. अरिथमेटिकल के साथ साथ में एक कंट्रोल यूनिट भी इनबिल्ट होता है. इसका मेन टास्क होता है कंट्रोल द पेरिफेरल्स, कनेक्टेड डिवाइसेस. इसे नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. नर्वस सिस्टम यानी जिसका कोई काम नहीं है फिर भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है. सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है, उसे एग्जीक्यूट करने में
कंप्यूटर की मदद करता है, प्रोसेसर की मदद करता है, हैंडल्स ऑल एग्जीक्यूशन एंड जितने भी टास्क होता है सबको परफॉर्म करता है, एंड इट कंट्रोल्स और कनेक्टेड डिवाइसेस। कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन सभी को ये कंट्रोल करता है, एंड एग्जीक्यूट राइट डिवाइसेस एट द राइट टाइम। यानी जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी राइट डिवाइस होते हैं जिनका यूज होना होता है, उसको सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि एग्जांपल, इफ यू नीड टू प्ले अ सॉन्ग देन कंप्यूटर मस्ट प्ले द स्पीकर नॉट द प्रिंटर। कहने का मतलब ये, अगर आप कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो कंट्रोल यूनिट उस टाइम पे आपके स्पीकर को ऑन करेगा, ना कि प्रिंटर को। यानी कंट्रोल यूनिट ओके होगा तो वो स्पीकर को ही ऑन करेगा। अगर कंट्रोल यूनिट किसी कंप्यूटर का फेल होगा या नर्वस सिस्टम फेल होगा तो वो स्पीकर की जगह पे प्रिंटर को ऑन कर देगा। ओके, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारे सोसाइटी में कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, उनका काम सारे काम करते हैं लेकिन उनके थ्रू रिस्पॉन्स कम आता है। अगर आप उनसे बोलो कि आप खाना खा लो, वो खाना नहीं खाएंगे, वो कुछ और काम करेंगे, लेकिन बाद में खाना, जब भूख लगेगी तो खाना भी खाएंगे। यानी जिस टाइम पे आप ऑर्डर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई काम करने के लिए, वो उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, जस्ट उसके अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, वो फेल हो गया होता है। सेम कंडीशन है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर का जो कंट्रोल यूनिट है वो नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, एंड सारे डिवाइसेस कनेक्टेड डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, एंड उसे राइट टाइम पे राइट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे राइट डिवाइस को एक्टिवेट करता है। ये कंट्रोल यूनिट होता है। अब बताते हैं, जब सीपीयू जो होते हैं वो डिफरेंट रजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं जिसके थ्रू वो काम को परफॉर्म करते हैं। वो हमारे हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो एड्रेस को कंट्रोल करते हैं। MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, जो मेमोरी बफर को कंट्रोल करते हैं। PCR, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, यानी जितने भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक अलग सा रजिस्टर बनाया गया है, जिसे बोलते हैं PCR, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, IOR इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जो इनपुट और आउटपुट जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्टर होता है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। यानी हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोसेसर यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो इन डिटेल में प्रोसेसर कोई नहीं बताता आपको, कोई इन्फॉर्म नहीं कर पाता आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, इन टाइप्स भी आपको अवेयर करा रहे हैं इसके बारे में कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में होता है CISC, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जितने भी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, कम्प्लेक्स ईजी नहीं कम्प्लेक्स, उनके जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उनके लिए एक अलग से प्रोसेसर होता है, जिसे CISC प्रोसेसर बोलते हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मल्टी कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, अभी हमारे आप नॉर्मल कोई भी लैपटॉप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जो प्रोसेसर के सीरीज होते हैं वो पेंटियम सीरीज, डुअल कोर, कोर टू डीओ, कोर i3, i5, i7, i9 के सीरीज हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो सारे प्रोसेसर के टाइप्स हैं। तो ये आपके ये सारे टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ना हो आप मुझे बताइएगा, आपको इसके लिए आप या एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना आपके लिए सफिशियंट है। होप्स आपको समझ में आ चुका होगा प्रोसेसर होता क्या है, काम कैसे करता है, या अगर उस पर आपको कोई भी ALU/CU के बारे में पढ़ना हो तो आप वो कैसे काम करते हैं, ब्रेन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारे प्रोसेसर के पार्ट होते हैं। होप्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपको हमें आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करेंगे, YouTube चैनल पर जाएंगे, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल को सर्च करेंगे, आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आप Facebook पेज पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो facebook.com/selfmadetutorial पे जाकर के आप हमारे पेज को लाइक करेंगे, आपको अपडेटेड न्यूज मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, उसे मिस नहीं करेंगे आप, वो जल्दी ही मिलेगा, एंड
थैंक यू।